हमारा तो अटूट इस बात पर ईमान है कि जब तक कुदरत फैसला नहीं करेगी किसी की इंसान की ना मौत आएगी, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा ना आपकी मौत आएगी, ना कोई आपका रिस्क छीन सकता है, ना कोई आपको बेइज्जत कर सकता है। तो ये तीनों चीजें हम लिखा कर लाते, हमको ये सप्पा आरएलडी मोदी नहीं देते। ओवैसी ने बागपत की जनता से और क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले गोली चलाने वाले आरोपियों के उस खुलासे की बात करते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। सोचिए, इन चार गोलियों को चलाने के लिए, ऐसे हमले को अंजाम देने के लिए आरोपी सचिन और शुभम अभी से नहीं बल्कि 4 महीने से प्लानिंग कर रहे थे। ये सनसनीखेज खुलासा पुलिस पूछताछ में सामने आया। आरोपी सचिन ने पुलिस को बताया, अगर मौका मिलता तो सितंबर में ही ओवैसी पर हमला हो जाता, वो हमला ज्यादा घातक और जानलेवा साबित होता। सितंबर 2021 में पहली बार ओवैसी को मारने का प्लान था। 22 सितंबर 2021 में ओवैसी ने संभल में रैली की थी, तब सचिन किसी तरह ओवैसी की रैली में पहुंचा। आरोपी सचिन ओवैसी के करीब भी पहुंच गया था, लेकिन पिस्टल निकालने से पहले सेल्फी लेने वाली भीड़ ने धक्का देकर उसे दूर कर दिया। ओवैसी बच गया। सचिन चाह रहा था कि ओवैसी की हत्या करने के बाद वो एक बड़ा नेता बन जाएगा, और इसीलिए सचिन ने अपने दोस्त शुभम से बातचीत करी, शुभम को गाजियाबाद बुलाया और गाजियाबाद के वेव सिटी इलाके में उसे मुलाकात की, जहां पर उसने बताया कि वो ओवैसी की हत्या करना चाहता है, और उसके बाद रची गई एक बड़ी साजिश ओवैसी की हत्या की। जिस रैली की बात सचिन ने बताई उसकी चर्चा काफी हुई, क्योंकि तब ओवैसी की संभल में पब्लिक मीटिंग के लिए जो पोस्टर्स लगे थे उन पर काफी बवाल हुआ था। इसमें AIMIM के वर्कर्स ने संभल को गाजियों की धरती बताया था। TV9 भारतवर्ष के पास ओवैसी की रैली का पूरा वीडियो मौजूद है। ओवैसी ने संभल की रैली के दौरान क्या कुछ कहा था, कैसे शब्दबान छोड़े थे, ये भी आपको सुनने चाहिए। मैं आप सभी करने आया हूं कि हराएंगे जरूर बीजेपी को इंशाल्लाह, मगर ताकतवर होकर हराएंगे। ये लोग हमको अपना चाचा जान के, उत्तर प्रदेश का जो भी गरीब है, जो कमजोर है, जिस पर जालिम जुल्म कर रहा है, उसका बाप असल ओवैसी है। और याद रखिए, जब तक आपके पास सियासी ताकत नहीं आएगी, आपके हमारे मसाइल हल नहीं होते। जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं उत्तर प्रदेश को आता रहूंगा, जब तक अल्लाह मुझे हयात देगा मैं तुम्हारे दरमियान में रहूंगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ओवैसी पर हमले की ऐसी कोशिश एक बार नहीं पहले भी की जा चुकी थी। सचिन ने पुलिस को बताया कि उसने ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी से नजदीकी बनाई, मेरठ और किठौर की रैली में हत्या करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से प्लान फेल हो गया। इसी के बाद टोल प्लाजा पर ओवैसी की कार पर फायरिंग की। 30 तारीख को गाजियाबाद के शहीद नगर इलाके में जब ओवैसी की रैली थी तो वो लोग यहाँ पर रैली में पहुंचे थे, सचिन और शुभम, हत्या करने के लिए ओवैसी की, लेकिन वहां पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से वो लोग हत्या नहीं कर पाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।